अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों कैसे हैं आप लोग सब ठीक हैं अच्छा भाई बच्चों आपकी जो नई बुक्स हैं वो आनी शुरू हो गई हैं 2023 की इस साल 2023 में जो आप लोगों ने अगली क्लासों में आना है क्लास सिक्स में सेवन में और एट में उसमें आपकी जो किताबें हैं ना वो सारी तब्दील हो के आनी है तो जो पुरानी किताबें हैं वो आपकी नहीं चलेंगी जो आपने अगली क्लास वाले बच्चों से लेनी है वो नहीं चलनी उनका कोई फ़ायदा नहीं है एक तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट स्कूलों वाले बच्चे हैं उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जा रही है लेकिन ये है कि आते आते टाइम लग जाना है हर दफ़ा ऐसा ही होता है तो ये देखें मेरे पास उर्दू की सिक्स क्लास की आ गई है ये मैंने आपके सामने ले आया हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ बाकी बुक्स भी दिखाऊंगा और इनको पढ़ाऊंगा भी तो आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है ठीक है इसको सब्सक्राइब कर लें और ये आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा चीज़ें आपको पेपर देने में आसानी होगी हर चीज़ आपको यहाँ से समझ आएगी तो ये उर्दू की सिक्स क्लास की देखें लिखा हुआ है और ये देखें सबसे अहम बात यकसा कौमी नसाब दो के मुताबिक जो पिछले साल गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने पूरे मुल्क में एक जैसी किताबें लानी है उसके हिसाब से अब पंजाब में ये किताब आ गई है ये पंजाब वाली है ठीक है हम जो पंजाब में रहते हैं उनके लिए ये बुक का टाइटल है ये आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपकी किताब होगी ठीक है ये सारा उसके ऊपर ये देखें लिखा हुआ पंजाब करैकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर इसके अंदर से देखते हैं थोड़ा सा छोटी सी वीडियो है ज़रा देखते हैं आइडिया लेते हैं चीज़ों का मेन पेज इधर से ये वाला है फिर ये यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह लिखी हुई है ठीक है इसका जो पहली चीज़ है वो ये हमारे पास फहरिस्त आती है कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अच्छा ये है दो सौ की है ठीक है मार्केट से लेंगे तो दो सौ की आपको ये मिलेगी अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी है ये ज़रा एक दफ़ा देख लें हमद पढ़ेंगे जैसे पिछली बुक्स में भी होता था हमद आएगी फिर नात आएगी फिर उस हंसना और रवादारी का एक चैप्टर है मेहनत में अजमत वाला चिड़िया की नसीहत ये एक है ये भी मज़ेदार चीज़ होगी चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन ये भी नज़म है अलामा इकबाल रहमत नौजवान नसल अलामा इकबाल जो है वो नौजवानों के लिए क्या सोचते थे ये हमने पढ़ना है ज़रा फ़ोन कर लूँ ये पढ़ना है योम दिफाए पाकिस्तान इतफाक़ और ना इतफाक़ी का प्रॉब्लम क्या है हमारा माहौल और उसकी आलूगी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं फिर वतन का बहादुर सपूत ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है एंड पे देखें ये वाली तस्वीर बनी हुई है और यहाँ उन्होंने यही समझाया हुआ है कि आप लोग छोटे हैं तो आप लोग जब घर से बाहर हों स्कूल से बाहर हों तो आपने अजनबी लोगों के साथ नहीं जाना ठीक है जितना मर्जी वो कहें कि लो जी हमें आपने सिर्फ पता बताना है या हमें आपके अम्मी अबू ने कहा है कि आपको ले आओ ठीक है या किसी टॉफी का लालच देते हैं पैसों का लालच देते हैं तो उनके साथ बैठ के नहीं जाना देखें लिखा हुआ किसी अजनबी के साथ गाड़ी में हरगिज ना बैठें वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं बहरहाल ये एक पीछे लिखा हुआ है सही है तो ये आपकी बुक है सिक्स क्लास की उर्दू की मैथ की भी आनी है इस की जो है साइंस की किताब भी आनी है तो मैथ और साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने हैं वो मैंने इन आपको सारा पढ़ाना है और ये जो है ये भी पढ़ाऊँगा तो ये आपने ज़रूर फॉलो कर लेना है सारा मैंने आपको रीड करवाना है पढ़ानी है चीज़ें ओके फिर बच्चों अल्लाह हाफिज़